अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? मेरे दोस्तों खैरियत होंगे, फिट होंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चल रहे हैं लॉन्ग राइड पे, लिया जा रहा हूँ आज मैं आज़ाद भाई को मिलने। भाई हवा फील हो रही है, उसके बाद हम फ्यूल अप कराएंगे और उसके बाद हम चलेंगे लॉन्ग राइड पे। गर्मी काफ़ी है, जैकेट पहनी हुई है, राइडिंग जैकेट, सेफ्टी फर्स्ट। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम तकरीबन बज रहे हैं 6:30 शायद। देखते हैं आज का दिन कैसे होता है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए 7:30 हो कर भाई, एक फ़ोटो तो ले लें, वहाँ से खड़े होकर मेरी फ़ोटो ले लें। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم। सफ़र की दुआ पढ़ लेनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें खैर आफियत से पहुँचा दे हमारी मंजिल मकसूद तक। आजकल टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, 40, 45, 47, 48 तक नॉर्मली टेम्परेचर चला जाता है। और जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं मैंने कोई लॉन्ग राइड की नहीं है, और लॉन्ग राइड पे मैं हमेशा सेफ्टी गियर पहनता हूँ। जब भी मैं मुल्तानवी साइड पे ट्रैवल करता हूँ तो मैं इस पेट्रोल पंप से रिफ़िल कराता हूँ, PSU पंप से, और वहाँ से फ्री में अपने टायरों की हवा भी चेक करा लेता हूँ। वेलकम टू द सिटी ऑफ सेंट्स, मुल्तान में खुश आमदीद। जी हाँ या नो, अगर आपने मेट्रो बनने से पहले का मुल्तान देखा है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप दोबारा आके मुल्तान विजिट करें, मतलब क्या फील है। ये मुल्तान की मेन रोड है, टाइम बज रहा है तकरीबन 7:30 का, और मुल्तान इतना बड़ा शहर, ईद का चौथा दिन, लॉकडाउन है, शॉप्स ऑफ हैं, पब्लिक प्लेसेस ऑफ हैं, तो आवाम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस वजह से ज़रा सुकून है, ट्रैफिक नहीं है, सड़कें सुनसान हैं, और इसका फ़ायदा हमें होगा, हम टाइमली यहाँ से निकल जाएँगे मुल्तान से। प्लान था फोर्ट भी जाएँगे लेकिन पब्लिक प्लेसेस ऑफ हैं तो इस वजह से मजबूरी है। मुल्तान फोर्ट नहीं जा सकते लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का। मुल्तान फोर्ट के बैक साइड पे मतलब सारे मज़ार हैं, तकरीबन 4-5 बल्कि बहुत ज़्यादा मज़ार हैं औलियाउल कराम के। अभी हमें चलना है यहाँ से 9 नंबर चुंगी और वहाँ से हम सीधा निकलेंगे मुल्तान से बाहर। ऊपर हमारे मेट्रो है, सामने घंटा घर जाना था लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ से टर्न लेंगे, गूगल मैप से मदद लेते हुए हम निकलेंगे हेड मोहम्मद वाला और उसके बाद लगे। जैसे मुल्तान से मैं निकला हूँ तो आमों के नज़ारे, आमों के बाहों के नज़ारे, मतलब क्या चीज़ है माशाल्लाह। और यहाँ पे जो जगह जगह पे स्टॉल बनाए हुए हैं, ठंडाई यहाँ की मशहूर है, जो मतलब आपके जिगर में ठंडाई ठंड पैदा करता है, ये इसको ठंडाई, ये पहलवान बनाते हैं सही रगड़ के बादामों को, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मशहूर। अगर आपने कभी पिया है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने कभी पिया है ठंडाई या नहीं, सरदाई भी बोलते हैं ठंडाई बोलते हैं। हेड मोहम्मद वाला मुल्तान की बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, और ये तकरीबन मुल्तान से 31 किलोमीटर की राइड के ऊपर है और हम पहुंचने वाले हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल रास्ता है, और रस्ते में बागात हैं आमों के और दरिया हैं, मतलब
बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। हेड मोहम्मद वाला पहुंच गया हूँ और यहाँ से तकरीबन एक घंटे का सफ़र होएगा या आधे घंटे का होगा। यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं लिया, लिया से आगे चौक आज़म से मिलेंगे हम आज़ाद हुए। टाइम क्या बज रहा है रे? टाइम 8 बज रहे हैं, इसीलिए आए हैं। एक स्टे मुल्तान से पहले क्या था, दूसरा स्टे हेड मोहम्मद वाला, इसके बाद हम जाएंगे अगला स्टे मतलब आज़ाद भाई के पास। अभी यहाँ पे रुके, यहाँ पे सेल्फियाँ फ़ोटोज़ चल रही, पानी पी लिया, ORS नहीं मिला, तो अभी देखेंगे रास्ते में कोई फॉर्मेसी मिली तो हम ORS लेंगे। शोर है काफ़ी, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बट माहौल है बहुत ज़बरदस्त। वहाँ पे नीचे किसी को भी नहीं बैठने दे रहे क्योंकि कल परसों कोई 5-1 बंदे डूबे हैं। यहाँ पे कोई जंगला वगैरह कुछ भी नहीं है साइड पे, यहाँ पे अलाउ नहीं है। एक बंदा है रुकने वाला और 10 बंदे हैं जाने वाले, तो अगर आप आते हैं तो अपना ख्याल खुद रखें, बाहर से ही नज़ारा कर लें, बाहर से सीन देख लें। ये है सीन, अभी चलना है वापस यहाँ से मुजफ़्फ़रगढ़ से लिया, मतलब नज़दीक है पहुँचने वाले हैं। अभी मिलते हैं आपको रास्ते पे, उसके बाद आज़ाद हूँ।
सरप्राइज़ करना था दाद भाई को, लेकिन मैं सरप्राइज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे गूगल मैप कहीं और ले गया, किसी और के घर पर जा कर नॉक करना पड़ा है, और फिर पता चला कि आज़ाद भाई का घर नहीं है, तो फिर मुझे उन्हें कॉल करनी पड़ी है। अब कॉल की है तो वो आए आज़ाद भाई, आगे आज़ाद भाई हैं, मैं उनके पीछे अभी चल रहे हैं उनके घर। गर्मी बहुत है, बस ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। عملك هو الراي اهدف الله اسمى غايه حقك عملك هو الراي اهدف الله اسمى غايه